हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टर एंड मिसेस जांगड़ा। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं भाई बाइक की सर्विस करवाने के लिए। अभी तक तो वैसे मैंने जितनी सर्विस करवाई है वो सारी सर्विस सेंटर से हुई है, बट आज जो मेरा फ्रेंड है आशीष तिवारी, उसने बताया मेरे को एक सेक्टर 10 में एक शॉप है, क्या नाम है तिवारी उसका, गंभीर मोटर्स करके है भाई तिवारी ने बताया। तो तिवारी ने बताया भाई कि वहाँ पर जो है सर्विस काफ़ी, मतलब रेट भी अच्छे हैं उनके, मात्र कितने 200 रुपये में, 200 रुपए में भाई साहब वहाँ पे सर्विस कर देते हैं वो लोग। और जो कि सर्विस सेंटर नॉर्मली चार्ज करते हैं 650-700 रुपए, वो 200 रुपए में सर्विस करते हैं, वो सर्विस वहाँ पे 200 रुपए में कर देते हैं। मतलब तो अगर आप ऑयल डलवा के करवाते हो तो आपका विद ऑयल 650 में हो जाएगा, जो कि सिर्फ वहाँ का सर्विस जो ऑफिसियल सर्विस सेंटर्स होते हैं उनका चार्ज होता है, उसमें आपकी सर्विस विद ऑयल हो जाएगी, जिसमें 450 रुपये तो ऑयल के ही हो गए, 200 रुपये सर्विस के हो गए। तो भाई अभी चलते हैं जाके देखते हैं भाई, हम भी आज एक्सपीरियंस करते हैं, आपको बताते हैं फिर वहाँ का फीडबैक क्या है, और आपको फिर अगर सर्विस अच्छी लगी तो आपको फिर लोकेशन दे देंगे ताकि आप भी फिर उसका फ़ायदा उठा सको, क्योंकि 200 रुपये वो भी नोएडा और दिल्ली NCR में मतलब काफ़ी कफायती रेट है। तो एक बार चलते हैं अभी। तो भाई अभी सर्विस सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे पहले से काफ़ी सारी बाइक आ रखी हैं, देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे वॉशिंग कैसे कर रहे हैं ये लोग। वॉशिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और एक एक गाड़ी को मतलब एक एक बंदा प्रॉपरली, आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े से हाथ से प्रॉपरली साफ कर रहा है। तिवारी की बाइक धुली नहीं अभी तक, सबसे पहले मैंने जमा करी। तो भाई अभी जो है मेरी बाइक की वॉशिंग हो गई। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी यूनिक देखी है, नॉर्मली बाइक की जो वॉशिंग होती है वो सर्विस होने के बाद होती है, बट यहाँ पर ये लोग पहले वॉशिंग करते हैं उसके बाद सर्विस करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी भाई कि वॉशिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने सीट खोल के भी नीचे से अंदर से वॉश करी है, जो कि आज तक सर्विस सेंटर वालों ने तो नहीं की थी भाई। इतनी सर्विस तो कभी सर्विस सेंटर वालों ने करी, इसमें हैंडल वैंडल सब खोल दिए, ब्रेक वगैरह। ओ भाई साहब जबरदस्त है, जंग ये भी सर्विस में कवर होता है, जंग हो गई लेकिन जंग लग रही है। अभी तो उन्होंने कभी खोला ही नहीं ना सर्विस सेंटर वालों ने इसको, फिर भी अंदर इतनी ज्यादा जंग नहीं जाती, उसे पता लगा हुआ। वाह भाई वाह, देख के मजा ही आ गया, मतलब ऐसा लगा जहाज बना देंगे आज तक बाइक को। सर्विस वगैरह कंप्लीट होगी भाई, अब होगी इसकी पॉलिशिंग और फिर हो जाएगी फाइनल हैंडओवर। उसके बाद नंबर आ गया तिवारी की गाड़ी का, तिवारी के भाग जाग गया। हमारी सर्विस हो गई, रेडी हो गई है, अब इसकी एक बार टेस्ट राइड लेके देखते हैं। बीच में हमें कुछ कुछ आवाज़ जैसी आ रही थी पहले, तो भाई ने बताया कि चेन जो है वो लूज हो रखी, तो अभी एक बार टेस्ट राइड करके देखेंगे, तो देखते हैं कि आवाज़ वो ख़त्म हो गई है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। चल तिवारी। गाइस, अब हमारे बाइक की सर्विस हो गई है, बाइक हो गई है एकदम न्यू, ब्रांड न्यू लग रही है अभी हमारी बाइक, और अब हम जाएंगे खाना खाने। यहाँ पास में एक लोकेशन है, वहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे, वेरी चीप रेट में आपको एकदम फैंटास्टिक खाना मिलता है। कितने रुपये थाली दिवारी? थाली जस्ट 50 रुपीज़, 50 रुपये थाली में, 2 सब्जी और 2 नान देता है, तो एकदम बढ़िया खाना, टेस्टी एकदम। अभी हम चलेंगे खाना खाने, तो अब चलते हैं, चलते हैं देखते हैं वहाँ पे थाली में क्या कुछ मिल रहा है और टेस्ट वगैरह कैसा है। अगर अच्छा रहेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिएगा हमारे साथ वीडियो लास्ट तक ताकि। तो भाई खाना खाने के लिए हम लोग आ गए, ये ढाबे का नाम है सैली नान वाले, और ये बिल्कुल सर्विस सेंटर के सामने बना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने सर्विस सेंटर बना और वॉकिंग डिस्टेंस पर ये यहाँ पर बना हुआ है। ये पहले एक्चुअली वहीं पर जो है ठेला लगाते थे सर्विस सेंटर के बिल्कुल सामने, बट वहाँ पर फिर प्रॉब्लम रहती थी अथॉरिटी वगैरह की, तो इन्होंने यहीं पर बना लिया। तो भाई थाली में आपको बताता हूँ, यहाँ पर थाली में आपको कोई 2 सब्जी मिलेंगी जो आप चाहें, मैंने इसमें सीताफल लिया है और कढ़ी ली है, साथ में प्याज और चटनी है, 2 नान हैं जो काफ़ी हैवी हैं, साथ में रायता है जो कि मात्र 15 रुपये में इन्होंने हमें दे दिया है। तो भाई अभी घर वापस आ चुके हैं, ओवरऑल आज का हमारा टोटल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने किसी फ्रेंड को जो नोएडा NCR में रह रहे हों तो उनके साथ शेयर करें। आप भी अगर ऐसी किसी जगह को जानते हैं जहां पर अच्छे या अच्छे रेट पर और अच्छी सर्विस हो जाती है, तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि लोगों को हेल्प मिले। आप भी इस वीडियो को अपने नोन्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि